हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ने जो वैकेंसी आपकी निकाली है ग्रामीण डाक सेवक के तीन सर्किल में, जो कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड के लिए है। उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात हम इसमें वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर दो स्टेप में आपको उसको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप 6/6/2019 से 5/7/2019 तक कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का टैब है वो स्टार्ट होगा 13 जून 2019 को, और उसको आप कर पाएंगे 12 जुलाई 2019 तक। तो दो स्टेप में बात करेंगे, तो दो वीडियो हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सभी डिटेल हमने आपको अवेलेबल करा दी है। आप यहाँ पर आकर इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेक्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉरगेट हो जाता है तो उसका सेक्शन मिल जाएगा, पे एग्जाम फीस का सेक्शन मिल जाएगा, और अप्लाई ऑनलाइन का भी आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रजिस्टर हियर का आपको टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन फॉर्म देखिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले है आपका नाम, तो आपका नाम जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, पूरा नाम जो कि आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है। सेम वही चीज़ आपको करनी है आपके फादर नेम के साथ, तो आपकी जो भी मार्कशीट में है वो आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर आपको दे देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेनी है, तो यहाँ से आप जो है अपना ईयर, मंथ एंड डेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन है, तो जो भी कम्युनिटी है आपकी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है EWS कैंडिडेट के लिए है, यदि आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है या नहीं है। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर वैलिड अप टू, कब तक वो वैलिड है उसकी आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी। यदि अभी आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल हैंडीकैम्प का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर यस करना है यदि आप फिजिकल हैंडीकैम्प है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। जैसे मान लीजिए आपकी HS कैटेगरी है तो आप इसको चूज कर लीजिए। इसके बाद है आपकी PS सब कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर भी इनमें से सेलेक्ट आपको करना होगा। यदि आप इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर करेंगे नो। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है जो है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपका जो सर्किल है जिसमें जिससे आपने 10th क्लास पास की है उसका नाम आपको यहाँ शो करेगा। तो उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए आपने हिमाचल प्रदेश से आपने पास किया हुआ है 10th, तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देखिए देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका दिल्ली है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड के नाम आ जाएंगे, तो आपके सर्किल के हिसाब से बोर्ड का नाम आपका आएगा। तो आपने जिसके हिसाब से भी आपने इसको पास किया है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो 10th जब भी आपने कंप्लीट की है उसकी आपको ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका अपलोड फोटो का, अपलोड सिग्नेचर का, तो यहाँ पर देखिए आपको साइज दिया गया है, तो जो आपका साइज है वो 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, और सिग्नेचर के लिए 20 KB मैक्सिमम आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको डायमेंशन भी दिए गए हैं 200 और 230 पिक्सल। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस पिक्सल में, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपकी जो भी फोटो है, साइन है, आपको ओपन इसे करना होगा पेंट में। पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको देखिए यहाँ पर एक टैब देखने को मिलता है रिसाइज का, या फिर आप Ctrl+W दबाएंगे तो भी आपका एक जो है आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके सामने ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल का। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, इसमें आपको 200 और 230 एंट्री आपको करनी है। यदि आप इसकी एंट्री आप करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे जो टिक है इसको आप अनटिक कर दें, और इसके बाद आप इसको 200 और 230 पे यहाँ पर एंटर करें, और उसके बाद यहाँ से आप इसको ओके कर दें। आपकी जो फोटो है उसका पिक्सल चेंज हो जाएगा, और इसको आप दोबारा से यहाँ पर सेव कर सकते हैं, या फिर फाइल में सेव एज के माध्यम से JPG पिक्चर के तौर पर आप इसको सेव कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपलोड इसको कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको साइन है जो है आपके उसके साथ करनी है। उसके लिए जो आपको पिक्सल है 140/60 का, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और इसके बाद इसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जैसे ही आप अपने फोटो एंड साइन यहाँ अपलोड आप कर देंगे, इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड जो दिया गया है ये आपको एंटर करना है। इसके बाद आई हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सबमिट डिटेल कर देना है। सबमिट करने से पहले फ्रेंड्स, इसको आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी गलती आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर आपकी सभी डिटेल देखिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, सर्विस नेम है, मोबाइल नंबर है, सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रही हैं। साथ में आपके मोबाइल पर भी SMS आ चुका होगा, आप इसका यहाँ पर प्रिंट निकालकर अपने पास रख लीजिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर का जो PDF है वो आप अपने पास सेव करके या प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो आपके फ़ी पेमेंट का है, तो जनरल OBC EWS जो मेल कैंडिडेट हैं उनको ही यहाँ पर ये फीस पे करनी है, जो कि 100 रुपीज़ होगी। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दो माध्यम है आपके फीस जमा कराने के, एक है आपका फ़ी पेमेंट ऑफिस का और एक है आपका पे ऑनलाइन का। तो आप पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यदि आप ऑफिस के माध्यम से करना चाहें तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखिए कुछ इस तरह की डिटेल देखने को मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास आया है या फिर आपने वो नोट डाउन किया है वो आपको लिखना है, और लिखने के बाद आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहां पर शो करने लगेगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने यहाँ पर इसको एंटर किया है, इसके बाद देखिए हमारा मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी और आपका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ शो कर रहा है। साथ में आपको यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन सर्विस चार्जेज हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस मेक पेमेंट टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो है आपके क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, डेबिट प्लस ATM का, इंटरनेट बैंकिंग का और वॉलेट या कैश कार्ड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम करते हैं डेबिट कार्ड से मान लीजिए पेमेंट, तो आपको यहाँ पर जो अपना कार्ड नंबर है वो आपको देना है, उस कार्ड की एक्सपायरी डेट आपको देनी है, कार्ड का CVV नंबर आपको देना है और कार्ड होल्डर नेम आपको यहाँ पर देना है, और इसके बाद आप यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद यहां तक की जो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपकी यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद की जो भी डिटेल होगी वो हम बात करेंगे 13 जून 2019 से, जब आपको जो है इसके लिए अप्लाई आपको करना होगा। अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखिएगा जो भी स्कैन कॉपी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जैसे आपकी जो फोटो, साइन, आपके SSC की मार्कशीट, DOB सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PS सर्टिफिकेट, वो फ्रेंड्स आपको अपने पास तैयार रखने होंगे। बाकी की जानकारी के लिए हम 13 जून 2019 से इसका वीडियो अपलोड करेंगे, तब आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की आप इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS के रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और कैसे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, इसकी बाकी की जानकारी के लिए हम बात करेंगे 13 तारीख को। तब तक फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे वीडियो को, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।